थाना बढ़लगंज के दवना डी में विगत दिनों शिवानंद मौर्य के हत्या तथा चंद्रशेखर उर्फ आजाद और शैलेश यादव की हत्या के प्रयास में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में वांछित चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में 10,000 रुपए का इनामी राजेश पुत्र स्वर्गीय रामनाथ के अलावा सुनील यादव पुत्र जवाहिर, सत्येंद्र यादव पुत्र गिरिजेश व अरविंद पुत्र राजेश निवासी दवना डी थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर शामिल है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 315 बोर, एक तमंचा व 3 जिंदा कारतूस, अभियुक्त सुनील यादव के पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर, एक तमंचा व 3 जिंदा कारतूस, अभियुक्त अरविंद यादव के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक बोलेरो व एक अदद ट्रैक्टर बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सिंह गुप्ता ने बताया, लगभग जो मेन मुख्य आरोपी हैं, चार आरोपियों को पकड़ लिया गया है, मुख्य आरोपियों को, और उसमें प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया है और एफएसएल और बाकी सबूतों के हिसाब से और जल्दी उस मामले को चार्जशीट किया है। जी बिल्कुल, उसमें से एक बंदे बनाने का भी घोषित किया था, चूंकि वो फरार था,